हेलो दोस्तों, एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप और दोस्तों आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है आप लोगों को सावधान करना, आप लोगों को आगाह करना, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अगर आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं या आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। क्योंकि कल मेरे साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड होने वाला था लेकिन मैं बच गया, लास्ट में जाके मुझे समझ आ गया था, तो उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय चांस मेरे फोन में वो रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो उस रिकॉर्डिंग को वीडियो में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे हमारे बीच बातचीत हुई और कहाँ कहाँ मुझे समझ जाना चाहिए था, कहाँ कहाँ मेरी गलती थी, और हम ये बीच में बातचीत करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, और कैसे? बढ़िया बढ़िया। पहचाना नहीं? पहचाना। हाँ हाँ दीपक। हाँ, और कैसे घर पे? सब ठीक है? सब बढ़िया भाई। यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई, आपके साथ भी होता होगा कि आपके पास फोन कॉल आती होगी और काफी समय बाद आते होगी, आप नहीं पहचानते होंगे, तो जैसे कई लोग सरप्राइज देते हैं भी आपने मुझे पहचाना, इस तरह की सरप्राइज कॉल का ये बहुत सारे आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली मेंबर्स करते होंगे, तो आप तुक्का मारते हो, आप आवाज पहचान के कोई भी नाम लेते हो। उसी तरह मैंने भी जब मेरे पास कॉल आई तो मुझे एक मेरे फ्रेंड की जो कभी कभी फोन करता था उसकी आवाज जैसे मैच करी, तो मैंने सोचा चल वो होगा, तो अगर नहीं होगा तो बता ही देगा। लेकिन फ्रॉड जितने भी लोग हैं, फ्रॉडी लोग हैं, इस बात का हमारा फायदा उठाते हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ मेरी पहली गलती हुई थी, अगर मुझे नहीं पहचानना तो मैं साफ मना कर देता, यहाँ पे मेरी पहली गलती थी। चलते हैं आगे। क्या कर रहे हो यार, टाइम पास कैसे हो रहा है? अरे कहाँ टाइम पास हो रहा है, बस फंसे हुए हैं। फंसे हुए कहाँ पर? घर पे ही। वो सभी फंसे हुए हैं यार। और बताओ, और घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया है, आप सुनाओ। बस हम भी बढ़िया है यार, आपको याद कर लेते लेकिन आप तो फोन भी नहीं करते हमें। अरे तेरे नंबर ही चेंज हो जाते हैं यार। नंबर क्या है, थोड़ा पता नहीं उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने ये नंबर इसको सेव कर लो, तू मेरा ही नंबर है, पर्सनल नंबर है तो मेरा। हर बार नंबर ही नया नंबर ले लेता, क्या करेंगे? ना ना, ये मेरा यार, सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर सेव करें हम। और बताओ कैसे हो? बस भाई तू सुना, कहाँ काम कर रहा है? बस बढ़िया हूँ, आराम कर रहा हूँ यार। लामा जी एक काम था आपसे। वही काम कर रहा है? हाँ वही कर रहा हूँ, एक काम था यार आपसे। लामा जी बोलो। वो फोन पे गूगल पे यूज कर रहे थे आप, एक मेरा दोस्त क्या वो पेमेंट डाल रहा था, 10,000 रुपए डाल रहा है, मेरा फोन पे का तो क्या है लिमिट हो गया, तो मैं आपके में डलवा दूँ, कल मुझे रिटर्न कर देना आप गूगल पे। हेलो, हाँ गूगल पे कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, तो डलवा दूँ क्या आपके में 10,000 रुपए है? गूगल पे देखता हूँ, मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किया इसको, देखता हूँ पहले। एक्टिवेट किया उसमें अकाउंट लिंक करना होता है, आपने अकाउंट लिंक कर लिया? क्या चीज? अकाउंट लिंक तो कर रखा होगा उसमें आपने? नहीं मैंने नहीं किया हुआ अकाउंट लिंक, नहीं किया फोन पे में? नहीं नहीं मैंने, फोन पे तो बंद हो गया था पीछे, तो पंगा पड़ गया था इसका। नहीं नहीं चल रहा है वो तो, यस बैंक अब तो कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, वैसे यस बैंक तो भाग गया लेकिन फिर भी चल रहा है तो। अच्छा मैंने नहीं यूज किया कभी, मैंने सिर्फ पेटीएम यूज करता हूँ। अच्छा पेटीएम में फिर आपने अकाउंट लिंक कर रखा है? नहीं मेरे वैसे ही यूज हो जाता है, 4-5 हज़ार डाल के मैं वो यूज कर सकता हूँ। सुन तू गूगल पे में अपना अकाउंट लिंक कर ले, गूगल पे में डाल दूंगा मैं तेरे को। पेटीएम करा देना 5,000, 4-5 हज़ार यार। पेटीएम में तो वैलेट में कितना बैलेंस तेरा पेटीएम वैलेट में? पेटीएम वैलेट में बैलेंस पड़ा तेरे में अभी? मेरे को यूज हो जाएगा, मैं यूज कर लूंगा, यूज हो जाएगा मेरा, ये कह रहा हूँ मुझे चाहिए होती है पेटीएम। ना ना वो तो आप यूज कर लोगे मैं समझ गया, उसमें ओल्ड बैलेंस पड़ा है क्या आपका कुछ? ओल्ड तो 400-500 रुपया होगा। तो यार तभी तो यार भाई फोन मैं पूछ रहा हूँ लाइन पर, एक मिनट है ना। अब ये पेटीएम वॉलेट में मेरा बैलेंस पूछ रहा था कि मैं पेटीएम वॉलेट में अगर मेरे 5-7 हज़ार हो तो वहां से मैं फ्रॉड करके इसके बैलेंस ही निकाल लूं। अब इसका माइंड चेंज हो गया, पहले ये गूगल पे के पीछे मेरा पड़ा रहा, जब मैंने कहा लिंक नहीं है तो मैंने कहा पेटीएम मुझे कर दे, मैं पेटीएम यूज करता रहता हूं। तो इसने मेरे से पूछा कितना पैसा पड़ा है, मैंने कहा होंगे कोई 400-500 पड़े, 500 हज़ार होंगे, तब इसका फिर माइंड चेंज हो गया। देखो कैसे। तो यार तभी तो यार भाई फोन मैं पूछ रहा हूं लाइन पर, एक मिनट है ना। हेलो प्रदीप। हाँ यार वो पेटीएम में कर देगा ये, तो पेटीएम में ये आपका वो उसका नाम भी प्रदीप है। हेलो प्रदीप। हाँ मेरे दोस्त का है प्रदीप नाम उसका, तो उसके में डाल दे तू। हाँ पेटीएम में नहीं हो पाएगा।
अब यहाँ पे ये अपने दोस्त को नकली फोन करता है और जो मेरा नाम है उसी नाम से वो उसको बुलाता कि मेरे दोस्त का भी नाम प्रदीप है, ताकि जो ये मैसेज हमें भेजे मेरे नाम से भेजे तो हमें लगे कि हाँ यार उस प्रदीप ने ही भेजा है। और ये मुझे लास्ट में जाके पता चला ये चीज। पेटीएम नहीं हो पाएगा। हेलो प्रदीप। हाँ। पेटीएम की प्यारो मना कर रहे हो, बोल रहा है अगर फोन पे गूगल पे यूज कर रहे हो तो उसमें डल जाएगा। यार वो मैं यूज नहीं कर रहा, ना लिंक है मेरा कोई। तू अकाउंट लिंक कर लेना, मैं बता रहा हूँ, दो मिनट में हो जाएगा। किस में? अकाउंट लिंक कर ले अपना गूगल पे में। हेलो। हाँ हाँ। अकाउंट लिंक कर ले। कैसे करूँ पहले बताएगा भी? मैं बता रहा हूँ, ये बार गूगल पे ओपन कर। हाँ ओपन कर लिया। एक मिनट। हाँ कर लिया। ओपन करने के बाद क्या दिखा रहा है तेरे को वहाँ पे? तू होम पेज पे आ गया क्या? नंबर मांग रहा है तेरे से? होम पेज पे ही हूँ। नहीं, मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, फिर वहाँ पे होम पेज पर आ गए आप? होम पेज पे हूँ। अच्छा होम पेज पर आ गए, वहाँ पर आपको ये देखो ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है ना? नहीं यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, यहाँ नाम आ रहे पीपल बिजनेस एंड बिल प्रमोशन। पीपल बिजनेस एंड बिल, इस पर हाँ इस पर क्लिक कर रहे हो आप? किस पे? हाँ पीपल बिजनेस एंड क्या लिखा रहा है उस पर क्लिक करिए। ऐड बैंक अकाउंट। हाँ ऐड बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर दीजिए और अपना यूपीआई पिन सेट कर लो। यूपीआई पिन सेट कर दे तो अपना एटीएम कार्ड से हो जाएगा, छह अंकों का वो मांगेगा। यूपीआई पिन क्या होती है? वो यूपीआई पिन जिससे आप पेमेंट प्रोसेसिंग में कंप्लीट करते हो आपके बैंक, जैसे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो ना। हाँ हो गया। हाँ यूपीआई पिन सेट हो गया। हाँ ठीक है, एक बार आप अपना बैलेंस चेक कर लो, तो चेक बैलेंस को ऑप्शन आ रहा है नीचे, देखो एक बार वहाँ से आप बैंक निकल जाओ, वहाँ पे चेक अकाउंट बैलेंस को ऑप्शन आ रहा है, बैलेंस चेक कर लीजिए आपको कितना है अभी। हाँ हो गया। कितना बैलेंस है यहाँ पे? इस फ्रॉडी ने मेरे से पूछा कि अपना चेक बैलेंस करो, बैंक बैलेंस चेक करो, और बीच बीच में मेरे से बातों बातों में पूछता भी है कि कितना बैलेंस है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, किसी को अपना बैलेंस नहीं बताना। और मेरे से अभी पूछेगा कि कितना बैलेंस है तुम्हारे अकाउंट में, बातों बातों में मेरा पिन भी जानने की कोशिश करेगा। कितना बैलेंस है? 400-500 रुपये है। ठीक है मैं इसमें ऐड करता हूँ अभी आपको। वहाँ पे एक देखो सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है, एक क्या जी? सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है, सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी। जैसे आप होम पेज पे आए, आप होम पेज पे आ रहे हैं, देखो वहाँ पे 5,000 रुपये आए होंगे, आपको सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा होगा, एक आ रहा है ना? नहीं। चेक बैलेंस के ऊपर देखो सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा होगा एक। नहीं भाई यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। अरे जैसे नीचे ही नीचे जाओ वहाँ पे आ रहा होगा, जैसे नीचे ही नीचे जा वहाँ पे लास्ट में जाएगा ना, नीचे नीचे तरफ करता जाओ उसको, स्लाइड करता जाए नीचे नीचे, तो वहाँ पे सी ऑल पेमेंट या ओल्ड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ रहा है ना, ओल या ओल्ड ट्रांजेक्शन या सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी आ रहा है ना? नहीं आ रहा भाई। यार क्या हो रहा है भाई, लाइन पर अब मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया है, क्योंकि पहले इसने मुझे बोला था 10,000 भेज रहा हूँ, अब आ गया ये 5,000 पे। और जब इसने मुझे एक लिंक भेजा और जब मैंने खोल के देखा उसमें टू पे रिसीव का नहीं था उसमें ऑप्शन, नीचे लिखा था टू पे। टू पे मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे मैं चकरा गया। मुझे समझ नहीं, अभी भी समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। टू पे तो मैं कि पेमेंट तो नहीं करूँगा, मुझे तो ये श्योर था कि मैं इसको पेमेंट नहीं करूँगा, इसको मैं घुमाऊँगा अभी थोड़ी देर बाद, तो इससे पता करना चाहता था, इसलिए मैं घुमा रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा आया नहीं अभी, ये सब मैं इसको बता रहा था भाई। सी ऑल पेमेंट का एक्टिविटी का ऑप्शन तो आ रहा होगा, सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी का नहीं तो ऑल ट्रांजेक्शन का आ रहा होगा। मैंने की नहीं ट्रांजेक्शन कभी, कहाँ से आएगा? नहीं ट्रांजेक्शन नहीं की तो उससे मतलब क्या, सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी का तो ऑप्शन आता ही है भाई। फर्स्ट टाइम तो मैंने खोला है ये आज। अरे मैं बोल रहा हूँ जैसे आप होम पेज पर आए हुए ना अभी, होम पेज पर आओ, आगे ना होम पेज पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं वहाँ पे? सबके नाम आ रहे हैं, बिजनेस बिल आ रहे हैं, प्रमोशन आ रही है बस। तो आप हिस्ट्री का कुछ का ऑप्शन तो आ रहा होगा? हिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं मेरी, जब हिस्ट्री कहाँ से आएगी, हिस्ट्री तो तब आएगी किया होगा कुछ। कौन सा नंबर है आपको बताओ, कौन सा एंटर किया आपने बताइए। अब यहाँ पे ये मेरा नंबर जानने की कोशिश कर रहा था मेरा, जो जिससे मैंने अकाउंट लिंक किया था। कौन सा नंबर है आपको बताओ, कौन सा नंबर एंटर किया आपने बताइए। किस चीज का नंबर? वो गूगल पे में कौन सा नंबर है आपका? यही वाला जिससे बात कर रहा है। तो इसने एकदम चेंज कर दिया कि गूगल पे का नंबर मैं पूछ रहा हूँ, बात एकदम चेंज कर दी। जिस पे बात कर रहे हो? एक मिनट, एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया के नाम से आ रहा है ये दिखाया। अब सुन देख, ये लाइन पर है, देख एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया के नाम से आ रहा है, प्रदीप डॉट लंबा ऐसा आ रहा है ना? वहाँ पे चेक कर, आपको देख 5,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड आया होगा तेरे पास, आया?
नहीं भाई कुछ नहीं आया। 5,000 रुपये आएंगे यार, चेक तो कर भाई। आ रहा है ना? हेलो हेलो लांबा, हेलो। दोस्तों मैंने आखिर में उसकी कोई बात का रिप्लाई नहीं दिया, जब मैंने देखा कि उसने 5,000 का गिफ्ट कार्ड भेजा है जबकि मुझे 10,000 की बात कर रहा था शुरू में, तब मैं समझ गया कि ये बंदा गड़बड़ है और मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। जब मैंने हिस्ट्री में जाके देखा तो गिफ्ट कार्ड पे लिखा था टू पे, यानी कि मैंने देने हैं, तो इस बात पे मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये बंदा मेरे से फ्रॉड कर रहा है। तो मैंने पता लगाने के लिए बिल्कुल चुप हो गया कि ये क्या बोलता है, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद तो फ़ोन डिसकनेक्ट कर दिया और दोबारा उसकी कोई कॉल नहीं आई। जब मैंने फ़ोन लगा के देखा तो कोई यूपी का नंबर आ रहा था। इस वीडियो का मकसद मेरा यही था कि आप सभी को सतर्क करना, ताकि आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ ऐसा धोखा या फ्रॉड ना हो जाए। तो आपने दोस्तों सिर्फ यही काम करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करना है, ताकि और कोई व्यक्ति इससे धोखा ना खा जाए, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। अंत में दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा, टेक केयर।